हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपको बताऊंगा सी माउस प्रोग्रामिंग के बारे में। सी माउस प्रोग्रामिंग एक अलग एरिया है सी प्रोग्रामिंग का। जैसे आप देखते हो, सी के अंदर आप बेसिक प्रोग्रामिंग करते हो, फाइल्स के लिए प्रोग्रामिंग करते हो, फाइल हैंडलिंग करते हो, या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। उसी तरह माउस प्रोग्रामिंग भी एक डिफरेंट एरिया है, ठीक है। तो कैसे अपन माउस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सी में, ठीक है। माउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब माउस को डिटेक्ट करना, माउस की पोजीशन पता करना, माउस ड्राइवर आपके सिस्टम में लोड है या नहीं है, ठीक है, माउस का एरिया रेस्ट्रिक्ट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं माउस प्रोग्रामिंग के अंदर। माउस प्रोग्रामिंग में अक्सर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, रजिस्टर्स वगैरह हमें समझने पड़ते हैं। तो वो मैं काफ़ी बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और ये हमारा जो आज का जो प्रोग्राम रहेगा माउस प्रोग्रामिंग के अंदर, वो काफ़ी फंडामेंटल प्रोग्राम है, मतलब काफ़ी बुनियादी प्रोग्राम हम करेंगे। और इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा हर एक चीज़। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आ जाता है, तो बाकी के जितने भी माउस प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स मैं बताऊंगा, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आप भी इसको पूरे अच्छे से समझिए, ठीक है। और आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बिन के अंदर जाता हूँ। बिन के अंदर जाके मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक मैंने फाइल बना दी और इसका नाम रख दिया मैंने माउस 1। यह हमारा पहला प्रोग्राम रहेगा। M1 नाम दे दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, M1.cpp, सॉरी M1.c, माउस का पहला प्रोग्राम है M1.c, मैंने इसका नाम दे दिया फाइल का। इसको मैंने नोटपैड प्लस प्लस के साथ, नोटपैड प्लस प्लस में बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको इजीली यहाँ पे शो हो पाए, मैं आसानी से कोडिंग कर पाऊँ, ठीक है। टर्बो में इतना क्लियर कट हमें दिखाई नहीं देता, दैट्स वाई। तो पहला जो हम प्रोग्राम आज करेंगे, उसमें हम सीखेंगे, इसका मैं टाइटल लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोग्राम टू फाइंड वेदर माउस ड्राइवर, वेदर माउस माउस ड्राइवर इज लोडेड और नॉट, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि माउस ड्राइवर आपके सिस्टम में लोड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, मतलब माउस आपके सिस्टम में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम डिटेक्ट करेगा कि माउस ड्राइवर आपके सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो इसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग करते जाता हूँ और मैं आपको समझाते जाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने मेन फंक्शन बना दिया, वॉइड मेन, मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के अंदर आके मैंने लिखा यूनियन REGS I, O, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टाइप यूनियन REGS, ऑफ टाइप यूनियन REGS, ठीक है। हमने दो वेरिएबल बनाए आई और ओ, किस टाइप के, यूनियन REGS टाइप के। अब ये जो यूनियन REGS है, ये डिक्लेयर है पहले से, ये एक हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर है और उस हेडर फाइल का नाम है हैश इंक्लूड। उस हेडर फाइल को हम यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। ये इसका जो डिक्लेरेशन होता है, वो होता है डोज डॉट एच नाम की
हेडर फाइल के अंदर। तो हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। इस हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि मैं इस डेटा टाइप को यहाँ पे, इस टाइप को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, यूनियन RGS को। इसके मैंने दो वेरिएबल बना लिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट में आपको समझाते भी जाता हूँ। ठीक है, ये जो RGS है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये किसके अंदर होता है? इस हेडर फाइल के अंदर होता है, डोज डॉट एच के अंदर, ठीक है। और इसका जो डिक्लेरेशन है इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, द यूनियन RGS हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन डोज डॉट एच, ठीक है। ये डोज डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन इट इज़ यूज टू पास इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम इंट 86 कॉमा इंट पास्ड इंफॉर्मेशन इट इज़ यूज टू पास इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम दी फंक्शंस टू एंड फ्रॉम दी फंक्शंस इंट 86 इंट 86 एक्स इंट डोस कॉमा एंड इंट डोस एक्स, ठीक है। तो यूनियन RGS डोस डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। और इसका यूज़ क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इंट 86 या इंट 86 एक्स एक्स इंट डोस एक्स इन फंक्शंस को हम कॉल कर पाएँ और इनसे जो वैल्यू रिटर्न मिले उनको रिसीव कर पाएँ, ठीक है। अगर आप ये इस वेरिएबल बनाते हो इस टाइप का, तो आप इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ठीक है। कैसे इन फंक्शंस को अपन कॉल करेंगे, कैसे वैल्यू रिटर्न मिलेगी, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा यूनियन में, इसका डिक्लेरेशन आपको बता देता हूँ। ये जो इसका जो डिक्लेरेशन होगा उसका, इसका डिक्लेरेशन इस तरीके से है, यूनियन RGS, ठीक है। ये एक यूनियन है, RGS एक यूनियन है। और इसके अंदर क्या है? दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दो स्ट्रक्चर इसके अंदर बने हुए हैं, स्ट्रक्ट वर्ड RGS एक्स और स्ट्रक्ट बाइट RGS एच, ठीक है। तो यूनियन RGS जो है एक यूनियन है जो कि डोज डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। और इसके अंदर दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, वर्ड RGS और बाइट RGS, ठीक है। इन दोनों के हमने क्या बना दिए, इन दोनों के अपन ने यहाँ पे दो वेरिएबल्स इसके अंदर हैं, है ना। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, वर्ड RGS और बाइट RGS। इन दोनों के इसके अंदर वेरिएबल्स हैं एक्स और एच, ठीक है। बट अभी जो हम यूज़ करेंगे वो एक्स का यूज़ करेंगे। फिलहाल आपको इस एच का, बाइट RGS का मैं कोई यूज़ नहीं करूँगा। अभी आप केवल इसको ध्यान में रखिए, वर्ड RGS को, ठीक है।
अब ये जो वर्ड RegS है इसका डिक्लेरेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं बाइट RegS का कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो इसका मैं आपको कोई डिक्लेरेशन नहीं बता रहा हूँ। अभी जो बाइट RegS है वो एक स्ट्रक्चर है, और इसका डिक्लेरेशन बताता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया गया है, स्ट्रक्ट वर्ड RegS। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम है इसीलिए मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्ट वर्ड RegS एक स्ट्रक्चर है, और इसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, अनसाइंड अनसाइंड इंटीजर टाइप के। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बन डिक्लेयर किए हुए हैं, AX, BX, CX और DX। ठीक है, और भी काफ़ी सारे वेरिएबल्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे केवल इस वाले वेरिएबल्स से मतलब है, AX वेरिएबल से। और इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, और भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, मैं अभी आपको उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितनी नीड है इस प्रोग्राम के लिए मैं उतना ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो AX नाम का जो वेरिएबल है, BX, ये सब जो वेरिएबल्स हैं, ये इनडायरेक्टली जो है CPU रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो RegS यूनियन है, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं, और ये यूनियन RegS किसके अंदर डिक्लेयर है, डोज डॉट एच के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिमिलरली ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी किसके अंदर डिक्लेयर हैं, डोज डॉट एच के अंदर डिक्लेयर हैं। ठीक है, और इन दोनों के अंदर जो इन दोनों के अपन ने यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक्स और एच, है ना, दो स्ट्रक्चर टाइप के इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, एक्स और एच। और जो वर्ड RegS का डिक्लेरेशन है वो कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं, और ये सारे वेरिएबल्स जो हैं इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, CPU रजिस्टर्स को। ठीक है, तो आगे की कोडिंग मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि आपको इतना कोड समझ में आया होगा। ये आई और ओ क्या है, ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं इस टाइप के, ताकि हम इन फंक्शंस का यूज़ कर पाएँ, इन फंक्शंस को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, फिलहाल हमें केवल इंट 86 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आगे का कोड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब ये क्लियर स्क्रीन अगर मुझे यूज़ करना है, तो मुझे एक हेडर फाइल और डालनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद मैंने लिखा आई डॉट एक्स डॉट ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आई डॉट एक्स डॉट ए एक्स क्या है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, आई आपको जैसा कि दिख रहा है, आई क्या है, यूनियन RegS टाइप का एक वेरिएबल है। ठीक है, इसके थ्रू मैंने एक्स को एक्सेस किया। एक्स क्या है, एक्स है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, तो इस आई के थ्रू आप एक्स को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये किसके अंदर है, यूनियन RegS के अंदर है। और इसके अंदर बना हुआ कोई मेंबर अगर आपको एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, इसके अंदर कोई वेरिएबल है उसको आपको एक्सेस करना है, तो आप डॉट लगा के एक्सेस करोगे। तो आई के थ्रू मैंने एक्सेस किया एक्स को, और फिर एक्स के थ्रू मैंने एक्सेस किया ए एक्स को। ठीक है, मतलब इस रजिस्टर को मैंने एक्सेस करने के लिए ये प्रोसेस लिखी, है ना। तो ये आपको पूरा बताना पड़ेगा, आई के थ्रू आपने एक्सेस किया इस एक्स को, फिर एक्स के थ्रू आपने एक्सेस किया इस वेरिएबल ए एक्स को। और ए एक्स अपने आप में एक रजिस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडायरेक्टली CPU रजिस्टर ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इस रजिस्टर के अंदर मैं 0 पास करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 0 पास करके एक इंटरप्ट कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं एक इंटरप्ट कॉल करता हूँ यहाँ पे, इंटरप्ट 86। ठीक है, मैंने एक फंक्शन कॉल किया, ये इस फंक्शन की मदद से आप क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कॉल कर रहे हो।
ठीक है, मैं आपको यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ। ये फंक्शन यूज़ करते हुए अपन एक इंटरप्ट कॉल कर रहे हैं, इंटरप्ट इन्वोक कर रहे हैं, और मुझे कैसा इंटरप्ट जनरेट करना है, मुझे माउस इंटरप्ट जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इन्वोक किया है माउस इंटरप्ट को, मैंने यहाँ पे एक माउस इंटरप्ट कॉल किया। और इंटरप्ट कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे तीन पैरामीटर, माउस का जो इंटरप्ट होता है वो होता है 33, ठीक है, माउस के इंटरप्ट को बोलते हैं 33, ठीक है। तो इसको आप हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखते हो, 0x33, ये इंटरप्ट नंबर है माउस के लिए, माउस इंटरप्ट के लिए। इसके अंदर int86 के अंदर आपको तीन पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहले तो इंटरप्ट नंबर, अगर आपके पास, मैं हर चीज़ लिख के नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले हमने माउस इंटरप्ट नंबर यहाँ डाला, उसके बाद ये जो दोनों वेरिएबल्स थे इनका रेफरेंस हम पास कर देंगे इसके अंदर, %i, %o, ठीक है। दो हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल पास कर दिए यूनियन REGS टाइप के, और एक हमने यहाँ पे इंटरप्ट नंबर पास कर दिया, ये माउस का इंटरप्ट नंबर है, ठीक है। और अगर हमने इंटरप्ट कॉल किया है, इंटरप्ट हमने कॉल किया कब, जब एक्स के अंदर हमने 0 असाइन कर दिया। अगर एक्स रजिस्टर एक्स के अंदर आप 0 असाइन करने के बाद इंटरप्ट कॉल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, आप इस रजिस्टर के अंदर अलग अलग वैल्यू पास करके इंटरप्ट को कॉल करोगे तो आपको अलग अलग टाइप की वैल्यू रिटर्न मिलेगी। अगर मैं 0 डाल के कॉल करता हूँ, फिलहाल अपन केवल 0 के लिए समझते हैं, फिर नेक्स्ट इसके अंदर जब 1 पास करेंगे तब क्या होगा, 2 पास करके जब इंटरप्ट कॉल करेंगे तब आपको क्या रिटर्न मिलेगा, 3 पास करके जब कॉल करोगे, वो सारी चीज़ें आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जब मैं बताते जाऊँगा अलग अलग वीडियो में तो आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी के लिए मैंने इसमें 0 पास किया और इंटरप्ट कॉल किया। अगर मैं एक्स के अंदर 0 पास करता हूँ, ठीक है, एक्स रजिस्टर के अंदर मैंने 0 अगर पास किया तो ये आपको क्या बताता है, ये माउस का आपको स्टेटस बताता है, गेट माउस स्टेटस, ये आपको माउस का स्टेटस रिटर्न करेगा, माउस का स्टेटस बताएगा। और ये अगर एक्स के अंदर 0 डाल के आप इंटरप्ट को कॉल करते हो तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा, ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, या तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा है ना, अगर ये आपको 0 रिटर्न करता है, ठीक है, 0 रिटर्न करता है मतलब सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, माउस का जो सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन अगर आपको 0 रिटर्न करेगा तो सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, मतलब माउस का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर ये आपको 0 रिटर्न नहीं करता है, 0 के अलावा ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा, FFFH, ठीक है, ये आपको एक हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा अगर सपोर्ट अवेलेबल है तो। ठीक है, अगर सपोर्ट अवेलेबल है तो ये फंक्शन आपको ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा हेक्साडेसिमल वैल्यू, और 0 रिटर्न करेगा अगर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम 0 पास करने के बाद इस इंटरप्ट को कॉल करते हैं तो आपको या तो 0 रिटर्न मिलेगा या तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू मिलेगी। अगर 0 रिटर्न मिलता है तो 0 रिटर्न मिलता है तो आप समझ जाओगे कि सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इफ के थ्रू चेक कर लिया, इफ ओ डॉट एक्स डॉट एक्स, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर 0 के इक्वल है
ठीक है, अगर 0 के इक्वल होगा मतलब माउस अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, आप आई के थ्रू यहाँ पे पास करोगे और वैल्यू जो आपको मिलेगी रिटर्न, वो आप ओ के थ्रू उसको एक्सेस करोगे, रिसीव करोगे। ठीक है, वैल्यू पास तो अपन 0 रजिस्टर के अंदर जब वैल्यू पास करेंगे तो आई यूज़ करके करेंगे, और जो वैल्यू वहाँ से मिलेगी वो ओ का यूज़ करके करेंगे, रिसीव करेंगे ओ का यूज़ करके। अब यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया, नो माउस अवेलेबल, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर रिटर्न हमें 0 मिलता है, अगर इसके अंदर एक्स के अंदर आपको 0 रिटर्न मिला, एक्स की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, मतलब माउस का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नो माउस अवेलेबल। नो माउस अवेलेबल, और एल्स पार्ट लगा दिया, अगर 0 के अलावा कुछ, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं होगा मतलब वो इसके इक्वल होगा, इस हेक्साडेसिमल वैल्यू के, तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो एल्स पार्ट में हम मैसेज दे देते हैं माउस अवेलेबल। ठीक है, और लास्ट में मैं लगा देता हूँ यहाँ पे गेट सी एच। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनका जो टाइप है वो आर ई जी एस टाइप का है ना, यूनियन आर ई जी एस इनका टाइप है, और ये जो इसका डिक्लेरेशन है डोज डॉट एच के अंदर। ठीक है, और यूनियन आर ई जी एस जो है एक यूनियन है, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं, वर्ड आर ई जी एस और बाइट आर ई जी एस। फिलहाल मैंने आपको वर्ड आर ई जी एस बताया, वर्ड आर ई जी एस के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, ये सारे जो हैं इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सीपीयू रजिस्टर्स को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक्स रजिस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्स के अंदर अगर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 0, ये एक्सेस करने का तरीका मैंने बताया, आई के थ्रू मैंने एक्स को एक्सेस किया। ठीक है, एक्स बना हुआ है आर ई जी एस यूनियन के अंदर, तो इसका जो वेरिएबल आई बनाया था उसके थ्रू अपन ने इस एक्स को एक्सेस किया, फिर एक्स के थ्रू मैंने इस ए एक्स को एक्सेस किया। ठीक है, एक्स जो एक्स का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट वर्ड आर ई जी एस, तो उसके अंदर जो ए एक्स है उसको अपन ने डॉट लगा के एक्सेस किया, और उसके अंदर अगर मैं वैल्यू पास करता हूँ 0, तो 0 अगर आप पास करके इंटरप्ट कॉल करते हो तो आपको ये माउस का सब स्टेटस बताएगा। ठीक है, माउस का स्टेटस बताएगा कि माउस जो माउस का सपोर्ट इस सिस्टम में है, मतलब ड्राइवर अगर नहीं होगा तो माउस का सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, वही हम इस प्रोग्राम में चेक कर रहे हैं कि माउस ड्राइवर लोड किया हुआ है या नहीं किया हुआ। माउस ड्राइवर अगर नहीं होता है तो आपका माउस सपोर्ट नहीं करता है, माउस वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो अगर माउस ड्राइवर लोड किया हुआ है तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, और अगर माउस ड्राइवर लोड नहीं किया हुआ है आपके सिस्टम में तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, अगर जो हमें वैल्यू रिटर्न हुई है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, ये जो 0x33 मैंने लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये माउस इंटरप्ट नंबर होता है, मैं इसको भी कमेंट में लिख ही देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग अलग जो होते हैं पोर्ट होते हैं, जैसे माउस का जो पोर्ट होता है, माउस हैज पोर्ट 0, माउस हैज पोर्ट 0x33, माउस का जो पोर्ट रहेगा वो रहेगा 0x33। अटैच्ड टू इट, सिमिलरली जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, सिमिलरली कीबोर्ड सिमिलरली कीबोर्ड हैज अटैच
पोर्ट 0x0x सिस्टी। ठीक है, तो हर एक जो डिवाइस होता है उसका अलग अलग पोर्ट होता है। कीबोर्ड का ये पोर्ट नंबर है, माउस का पोर्ट नंबर ये है, तो हमने यहाँ पे ये पोर्ट नंबर पास किया है। ठीक है, उसके बाद हमें अगर 0 रिटर्न मिलता है तो हमने चेक कर लिया, अगर आपके पास 0x की जो वैल्यू है अगर वो 0 है तो आपने प्रिंट करवा दिया नो माउस अवेलेबल। ठीक है, 0 का मतलब है कि ड्राइवर लोड नहीं है। ठीक है, और एल्स में हमने दे दिया माउस अवेलेबल, अगर माउस 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, माउस अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो इसको अपन चला के देखते हैं फाइनली। मैंने डोस बॉक्स को ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने कंपाइल किया। TCC फाइल का नाम मैंने दिया था m1.c। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सी हटा दिया और TCC हटा दिया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है माउस अवेलेबल। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में माउस सपोर्ट कर रहा है, दैट्स वाई आउटपुट क्या आ रहा है, माउस अवेलेबल आ रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, माउस प्रोग्रामिंग के और भी वीडियोस में अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और भी प्रोग्राम्स में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, सो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, और प्रोग्राम पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, सभी लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है, और आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपके इनबॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। एंजॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी।